टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियंस भाई, T20 वर्ल्ड चैंपियंस 2024 भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, मजा आ गया भाई। क्या बोला था, टीम इंडिया ही जीतेगी यार, और टीम इंडिया ने करके दिखाया भाई। 17 साल के बाद 2007 में जीता था T20, उसके बाद भाई 2024 में भाई मजा आया भाई। सच बताऊं तो मैं टीवी बंद करने वाला था यार, क्लासन ने तो बिल्कुल गेम खत्म करके रख दिया था। यहां तक कि मैं तो ये भी सोच रहा था कि क्लासन को तो अब IPL में भी मत खिलाओ यार, क्योंकि क्लासन ने तो हमको धो डाला था, छक्के छक्के मार मार के यार। अक्षर पटेल का वो ओवर 24 रन का भाई, गेम खत्म था, गेम खत्म। लेकिन उसके बाद यार पांड्या ने जो उसका विकेट लिया है यार, जो कैच करवाया है पंत से, उसके बाद यार पांड्या ने एक और विकेट लिया मिलर का। मिलर भाई छक्का मार दिया था लगभग, और जो सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा यार, अनबिलीवेबल कैच यार, इतना बढ़िया कैच यार, जो फाइनल जितवाने वाला कैच था, हमेशा हमेशा के लिए भाई ये मेमोरी बन चुका है। और मजा आ गया भाई ये कैच देख के यार, कभी कोई नहीं भूल सकता ये कैच यार। एक 83 में कैच लिया था ऐसा ही, और एक 2024 में, हिस्ट्री रिपीट हो गई यार। मजा आ गया भाई, दिखा दिया हमने इंडिया का दम यार, बहुत बढ़िया गेम खेला यार। ये मैच साउथ अफ्रीका का पूरा मैच था, लेकिन भाई इंडिया ने जो लास्ट के 4 ओवर में कंपोजर और कामनेस दिखाई है, और जो परफॉर्मेंस दे डाली है, मुझे नहीं लगता यार कि ऐसा परफॉर्मेंस कभी किसी ने फाइनल में किया होगा यार, अल्टीमेट परफॉर्मेंस। मजा आ गया देख के यार, 4 ओवर में कितने कम रन दिए, जबकि धुरंधर बैट्समैन थे यार क्लासन मिलर, जो कभी भी किसी का भी गेम खत्म कर दे। जो भाई सूर्य कुमार यादव का कैच है, वो मैं फिर से बोलना चाहता हूं, वो नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वो कैच वो मैच था यार, वो कैच मैच था, कैचेस विन मैचेस, ये बात बिल्कुल सच है यार। मजा आ गया देख के। हार्दिक पांड्या ने यार अपने करियर का, मुझे लगता है भले ही विकेट्स ज्यादा ना लिए हो और वैसा परफॉर्मेंस ना हो, मगर 3 विकेट जो लिए हैं उसने, वो भाई 10 विकेट से भी बड़े हैं। और इतना बढ़िया मैच जो जिता दिया, वर्ल्ड कप जो जिताया यार, वो विनिंग मोमेंट था यार। सबने अच्छा खेला, कोहली पूरे टूर्नामेंट में, कोहली ने रन नहीं बनाया कुछ खास, लेकिन भाई बड़ा प्लेयर, मैंने बोला था बड़ा प्लेयर है, और फाइनल में चला यार, अच्छे खासे रन बना दिए भाई, वो रन्स बहुत काम आए, और हर एक ने परफॉर्मेंस दिया। 2 लगातार विकेट भी गिर गए थे, लग रहा था पता नहीं क्या होगा। अक्षर पटेल बहुत बढ़िया की प्लेयर यार, पूरे वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल ने बॉलिंग भी बढ़िया की, बैटिंग भी अच्छी की, इस बार भी बैटिंग अच्छी की, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया। लेकिन आज सूर्य कुमार भी ज्यादा नहीं चल पाया यार, और लेकिन इंडिया ने जो मैच बनाया यार, मजा आ गया भाई। आज ज्यादा बातें ना करो, आज सिर्फ इंजॉय करो और करते रहो यार। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुका था यार, बहुत लोग छोड़ चुके होंगे, सो गए होंगे कि यार अब तो हार गए। एक एक रन पर बॉल चाहिए था, इतनी बड़ी उनको चेज नहीं करनी थी भाई, 24 बॉल 23 रन समथिंग कुछ ऐसा ही रह गया था, रन और बॉल रह गया था। ये मैच साउथ अफ्रीका का पका पकाया था भाई, साउथ अफ्रीका ने हमें प्लेट में सजा के दिया, लेकिन हमने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की भाई। इंडिया को क्रेडिट जाता है कि इंडिया ने जो बॉलिंग से निकाला है मैच, वो अल्टीमेट था, वो हमेशा याद रहेगा भाई। एंजॉय करो, टेक केयर, सेलिब्रेट करो पूरी रात, और मजा करो ये मैच, हर दिन हर समय देखते ही रहो भाई। एंजॉय, जय हिंद, टेक केयर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन भाई, बाय बाय।